हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। यार, देर इज़ अ बिग पाकिस्तानी यूट्यूबर जिनके साथ मैंने कुछ टाइम पहले कोलैब किया था। एक कोलैबोरेशन वीडियो पोस्ट की थी कुछ महीने पहले। इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड वीडियोस ऑन माय चैनल। एंड अचानक उस यूट्यूबर का ना मुझे टेक्स्ट आता है कि मतलब इट वुड बी बेटर कि मैं अगर वो वीडियो अपने चैनल से रिमूव कर दूं। एंड द रीज़न दैट यूट्यूबर गेव वॉज कि भाई मतलब जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ दीज डेज वो प्रॉब्लमेटिक है, एंड दैट यूट्यूबर डोंट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद दैट टाइप ऑफ कॉन्टेंट। पहले तो मैंने उनको यही कहा कि मतलब कि आपकी परमिशन के साथ वो वीडियो बनाई थी ना, उस वीडियो में कुछ ऐसा है कि जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस को वॉयलेट करे ना, कुछ अगेंस्ट है यूट्यूब की गाइडलाइंस के मुताबिक, तो फिर क्यों ऐसा क्यों? ये तो एक क्रिएटर के फ्रीडम पे प्रेशर डालने वाली बात हुई। या देर आर सेवरल यूट्यूबर्स जो ना जिनका कंटेंट कुछ और होता है, बट जब वो किसी के साथ कोलैब करते हैं, किसी बड़े यूट्यूबर या किसी भी यूट्यूबर के साथ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रोस्टर को देख रहे हो या आप किसी गेमर को देख रहे हो, तो वो व्लॉग बनाएगा, डेफिनेटली वो व्लॉग बनाएगा या रिएक्शन वीडियोस टाइप कुछ बनाएगा, बट वो रोस्ट नहीं बनाएगा उसके साथ मिलकर, राइट? गेमर तो फिर भी गेमिंग कर लेगा, तो दैट्स द पॉइंट कि वो ऑब्वियसली किसी और जॉनरा की वीडियो बनाता है। या मेरा जो फेवरेट यूट्यूबर है ना, उसका भी पहले कोई और कॉन्टेंट था। पहले वो व्लॉग्स बनाता था, अब वो कमेंट्री वीडियोज रोस्टिंग वीडियोज बनाता है काफी टाइम से ना। तो उसकी व्लॉग्स में भी ना काफी ऐसे लोग आए हैं, एक्टर्स आए हैं, काफी ऐसे लोग आए हैं जो अब बड़े बन चुके हैं। मतलब एक लड़की थी जो मिर्जापुर की अभी लीडिंग एक्ट्रेस है, वो भी उसके व्लॉग्स में थी। तो वो भी उसको कहती है ना कि भाई तेरा अब वाला कंटेंट मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो एक काम कर तू वो वीडियो डिलीट कर दे। ये तो फिर कोई रीजन नहीं हुआ ना। दैट यूट्यूबर अनफॉलोड मी, मतलब उन्होंने मुझे फॉलो किया। आई थिंक उन डेज मैंने एक दो व्लॉग्स बनाए थे, उस बेसिस पे उन्होंने मुझे फॉलो किया। एंड जब मैं अपने रेगुलर रूटीन वीडियोस कर रहा था, कमेंट्री वीडियोस, तो उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। मैंने तब भी उन्हें कुछ नहीं बोला। आई न्यू कि मेरा कॉन्टेंट डिफरेंट है, तो इसलिए उन्होंने अनफॉलो किया। मैंने तब भी चुप था। बट मुझे एक बात खा रही है, मतलब मैं पहले भी काफ़ी टाइम से रोस्टिंग वीडियोज़ या कॉमेंट्री वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, तब मुझे उनका टेक्स्ट नहीं आता, लेकिन तब आता है जब मैं एक दो यूट्यूबर्स पे वीडियो बनाता हूँ। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी वीडियो प्रॉब्लमेटिक कैसे है। अगर मैंने किसी यूट्यूबर के ऊपर वीडियो बनाई, साफ सीधी बात है पिछली जो मेरी एक दो वीडियोस है ना, वो ही देख के उन्होंने बोला है कि मतलब कि प्रॉब्लमेटिक है ये वो सारा। कहाँ से प्रॉब्लमेटिक है मुझे आप लोग बताओ यार। कि मतलब अगर मैं किसी यूट्यूबर की गलत चीज़ को पकड़ के उस बारे में बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा, और खास तौर पर ये बड़े यूट्यूबर्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो जो उसके सारे फैक्ट्स प्रूफ्स हैं वो ऑलरेडी पब्लिक में है, मैंने उनको पकड़ के ही बोला है। या तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो समझ भी आता है कि भाई छोड़ियां मार रहे हैं, तो एक काम कर हम तेरे से डिसोसिएट हो जाते हैं। आप हो डिसोसिएट, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, बट आप मेरे फ्रीडम पे किस बात का प्रेशर डाल रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, काफी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका कॉन्टेंट कुछ और है, उस हिसाब से तो फिर जब भी उन्होंने कोलेबोरेशन किया है वो सारे कोलेबोरेशन डिलीट हो जाने चाहिए जस्ट बिकॉज उनका कंटेंट कुछ दूसरा है। और जहाँ तक ये मेरी प्रीवियस वीडियो की बात है, इस बंदे ने ना, इस यूट्यूबर ने एक वीडियो निकाली है, उसने एड्रेस किया इस चीज़ को, जिसमें भी उसने काफ़ी मैनिपुलेट किया लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने एक उस पर रिप्लाई नहीं निकाला। लेकिन फिर भी इफ यू वॉन्ट टू नो कि मतलब उसने क्या क्या गलत बोला, कैसे झूठ बोला, कैसे मैनिपुलेट किया विद फैक्ट्स, तो मैं एक वीडियो का, जशरून की वीडियो का एक लिंक डाल रहा हूँ नीचे, उसकी वीडियो आप जाके देख लेना, मैं नहीं बना रहा। और पाकिस्तान में ना यार, ये जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं ना, ये बर्गर व्लॉगर्स ये वो सारे, इन्होंने ना एक कम्युनिटी बना ली है, ये आपस में घूमते रहते हैं, और कोई कुछ गलत भी करेगा ना ये लोग पॉइंट आउट नहीं करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी दो तीन यूट्यूबर्स का नाम लिए और प्रूफ के साथ दिखाया, फैक्ट्स के साथ दिखाया। और मजे की बात है, जिस यूट्यूबर ने मेरे साथ कोलैब किया था ना, मैंने उसका आज तक किसी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो में नाम लिया, ना इस वीडियो में मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ना मैं पिक्चर यूज कर रहा हूँ, और वो वीडियो भी अब मैंने प्राइवेट कर दिए, तो वो दिखेगी नहीं आपको, ठीक है? तो इस वीडियो पे आई होप आप मुझे अप्रोच ना करो, बिकॉज ना मैंने आपका नाम लिया इस वीडियो में, एंड आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपने मेरी कॉन्टेंट पे तो ऑलरेडी प्रेशर, मेरी क्रिएटिविटी फ्रीडम पे तो ऑलरेडी प्रेशर डाल दिया, बट आप मेरे थॉट प्रोसेस पे बिल्कुल भी प्रेशर मत डालना। मैं जो फील करता हूँ वो मैं बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बनाऊंगा उस पर वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने तो बनानी नहीं है। उमर नुमान के सारे भाई प्रूफ हैं, उसने खुद एक्सेप्ट की अपनी रिसेंट वीडियो में। एंड मजे की बात है यार, ना मैंने इनको कुछ बोला है, इस यूट्यूबर को जिसके साथ मैंने कोलैब किया था, ये सारे लिंक्ड हैं आपस में, ये सारे लिंक्ड हैं। और पाकिस्तान में ना एक स्टीरियोटाइप बन गए, जब हम वर्ड सुनते हैं ना यूट्यूबर, हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है व्लॉगर, और अगर वो व्लॉगर नहीं होता तो उसकी ज्यादा वर्थ नहीं है। हमें ना मतलब एक व्लॉगर और यूट्यूबर को ना हमने सिनोनिम बना दिया। एंड दिस यूट्यूबर ऑल्सो अनफॉलोड मी बिकॉज मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था,
या बना रहा हूँ, उस हिसाब से तो फिर ढक्की भाई और राहिम परदेसी वगैरह सबको डिसएसोसिएट हो जाने चाहिए जस्ट बिकॉज उनका वीडियो कैटेगरी दूसरा है। एंड द थिंग इज, मैंने अपनी खुद की जर्नी से, मैंने अपने खुद की आइडेंटिटी से इनके साथ कोलैब किया था। मैं किसी का नाम लेके नहीं आया था कि मेरा ये कुछ लगता है, ये यूट्यूबर कुछ लगता है। मेरा किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोई लिंक ही नहीं, कोई बातचीत ही नहीं कि भाई मैं उनकी पहचान से आऊंगा कि मतलब ये मेरा कजन है या ये मेरा दोस्त है तो मिलके व्लॉग करते हैं ये वो। एंड दैट यूट्यूबर नोज इट। अगर आपको ऐसे ही करना था तो आप कोलैब ही नहीं करते, साफ सीधा मना कर देते हैं। वेल मुझे पता है मुझे इरफान जुनेजो से तो कभी शॉर्ट आउट मिलेगा नहीं बिकॉज ना मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, बट स्टिल मुझे अगर थोड़ी बहुत आगे चल के यूट्यूब पे सक्सेस मिलती है तो मैं क्रिएटर्स को जिनके साथ मैं कोलैब करूंगा वो राइट दूंगा, वो फ्रीडम दूंगा कि भाई तुम जो भी बनाते हो बनाओ, जो कोलैब मैंने उनके साथ किया होगा वो रहे उनके चैनल पे, मैं उनसे डिलीट नहीं करवाऊंगा। वो अलग बात है अगर वो वीडियो वायलेट कर रही होगी यूट्यूब की पॉलिसीज या गाइडलाइंस का तो वो खुद ही हट जाएगी। एंड द थिंग इज कि भाई आप सच बोलने पे, आप सच सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो मैंने पिछली दो वीडियोस बनाई हैं, दो तीन वीडियोस या एक दो वीडियोस, उसमें मैंने बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बताया, प्रूफ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं भाई प्रॉपर, तब भी मतलब ये दिखाया जा रहा है कि मैंने उनकी सच्चाई बता के या उनके ऊपर वीडियो बना के बहुत गलती कर दी है भाई ये वो। एक टाइप से इनडायरेक्ट थ्रेट ही है कि भाई अगर तूने मतलब ऐसा किया हमारे बंदों के साथ तो हमने जो तेरे साथ कोलैब किया वो हम डिलीट करवा देंगे, हम तो इससे डिसएसोसिएट हो जाएंगे। मैं रात से सही बता रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, मैं बिल्कुल थोड़ी सी नींद पूरी की है मैंने और मैं उठा भी जल्दी हूँ जस्ट बिकॉज ये वीडियो में मुझे खुद को एक्सप्रेस करना था। एंड मैं वो वीडियोस बनाऊंगा, मैं पॉइंट आउट करके कॉल आउट बिल्कुल करूंगा अगर कोई गलत चीज करेगा, मुझे कॉल आउट करो अगर मैं कुछ गलत करूँ, मुझे कॉल आउट करो आप यार, आई ट्राई टू इम्प्रूव। और अगर मैंने गलत किया होगा तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा इस चीज को। बट भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना मैंने इस यूट्यूबर को कुछ बोला है जिनके साथ मैंने कोलैब किया था, ना कोई लिंक है, ना मैंने नाम लिए, बट स्टिल आई डोंट नो क्यों सच सुनना शायद पसंद नहीं होता लोगों को। सही कहा है किसी ने, साफ सीधा दिख रहा है डिफेंड कर रहे हैं, मतलब कहने का मकसद है उस बंदे ने खुद से एक्सेप्ट किए कि भाई हाँ मैंने ये चीज की है, बट स्टिल दे आर डिफेंडिंग देम। ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना, मैं कह रहा हूँ ना इन्होंने कम्युनिटी बनाई होती है, भले कोई गलत करे कभी उसको कॉल आउट नहीं करेंगे, फिर वो यूट्यूबर बनते हैं वैसे इंटरनेट पे आके कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, जब उनका खुद का बंदा करे तब नहीं उनको दिख रहा होता। एंड अगर मैं किसी इंसान पे वीडियो बना रहा हूँ उसकी मैं गलत चीज पॉइंट आउट कर रही हूँ या उसको मैं फनी वे में लेके जा रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि मैं उस इंसान को हेट करता हूँ। मेरा उसके बाद उनको सॉरी बोलने का पर्सनली मैसेज करने का दिल चाहता है कि यार मैंने एक फन वे में स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई है, प्लीज अगर आपको लगे कि मैं आपको हेट दे रहा हूँ तो आई एम ऑलरेडी सॉरी। बट जो मेरी सोच है, मतलब अगर मैं किसी पे रोस्ट भी बना रहा हूँ तो मैं बाद में थोड़ा सा रिग्रेट होता है मुझे कि मैं ना यार कहीं बुरा ना मान जाए, बहुत ज्यादा उनको बुरा ना लग जाए। बट फनी वे में रोस्ट करने में और एक गलत चीज को पॉइंट आउट करने में डिफरेंस होता है। मैंने किया कॉल आउट उस चीज को, गलत चीज को, मैं आगे भी करूंगा। एंड आप लोग खुद सोचो अगर ये उमर नुमान 17,000 और ये यूट्यूबर 100 के करीब हैं, इन्होंने मुझे खुद मैसेज किए खुद ही, तो यानी कोई ना कोई वीडियो में ऐसी बात तो होगी ना। मतलब आपके लिए आपकी दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कॉलिंग देम आउट फॉर देयर रॉन्ग डीड्स। काफी यूट्यूबर्स का तो चैनल शाउट आउट की वजह से चल रहा है, उनको शाउट आउट मिल गया एंड देयर चैनल्स आर बिग नाउ, तो उन्होंने ऐसा टाइम नहीं देखा कि उनको बड़ा यूट्यूबर कोई बोले कि ये वीडियो डिलीट मार दो। एंड स्पेशली 3000 सब्सक्राइबर्स पे तो उन्होंने ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं देखा होगा। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलूंगा कि चूज वाइसली आप किन लोगों को ऊपर चढ़ा रहे हो, जरा देखो कौन गलत चीज को डिफेंड कर रहा है कौन राइट चीज को डिफेंड कर रहा है। That's up to you. आपके जो thoughts हैं वो हैं। Thank you for the support and thank you for watching this video. I'll meet you in the next video. Bye. Chicken leg piece, 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 masala rice.